नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। विगत 8 दिनों से बाडबिनोर गांव में ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण बिजली की समस्या हो रही थी। लोगों ने इस विषय में सांसद महोदय को बताया, जिसके बाद सांसद ने संज्ञान में लेते हुए बिजली विभाग से बात की है। विगत 8 दिनों से बाडबिनोर गांव में ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण बिजली की समस्या हो रही थी। लोग विगत 8 दिनों से परेशान थे। फिर इन लोगों ने माननीय सांसद महोदय को इस विषय में बताया कि हम लोगों के गांव में बिजली की समस्या ट्रांसफार्मर उड़ जाने के कारण हुआ है, जिसके बाद माननीय सांसद महोदय ने इसको संज्ञान में लेते हुए बिजली विभाग से बात की। और बात करने के बाद उन्होंने जानकारी दी कि इस विषय में किन लोगों के मामले को जल्द से जल्द समाधान कराया जाए। इस मामले को अपने संज्ञान में लिया और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ वार्ता कर कहा कि 100 केवी का नया ट्रांसफार्मर या 200 केवी का रिपेयर ट्रांसफार्मर देने पर सहमति बनी, जिसमें सभी ग्रामीणों ने माननीय सांसद महोदय को धन्यवाद दिया और अपनी खुशी जाहिर की। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। राम बाडबिनोर में आपको पिछले 8 महीने से बिजली की समस्या हुई है। 8 दिनों से बिजली की समस्या हुई है, ये किस कारण से क्यों हुआ है और अपना नाम के साथ बताइए। मेरा नाम इंद्रजीत दुबे है। बाटनोर पंचायत में बाटनोर बंगाली टोला में हम लोग का एक 100 केवी का ट्रांसफार्मर है, जो 8 दिन से लेके 3 दिन तक हम लोग मिस्त्री को जुगाड़ करके अपना ग्रामवासी पैसा लगा के और मिस्त्री बुला के ट्रांसफार्मर ठीक करवाए, फिर से पूरा ट्रांसफार्मर उड़ गया। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग जेई साहब को फ़ोन किए तो पहले तो जेई साहब फ़ोन नहीं उठाए। उसके बाद एसडीओ साहब को फ़ोन किए तो एसडीओ साहब फ़ोन को उठा के बोले कि ठीक है, जेई साहब को बोल देते हैं। ऐसे करते करते 5-6 दिन हो गए। कल हम लोग आए ट्रांसफार्मर लेके, आके यहाँ बात किए, एमपी साहब से बात हुआ। एमपी साहब जब हम लोग को बोले कि ठीक है दे देंगे, उसके बाद बोल रहा है रिपेयरिंग आप लोग को देंगे। हम बोले ठीक है रिपेयरिंग दीजिएगा, हम लोग ले लेंगे, लेकिन आप लोग लिखित में दे दीजिए कि मेरे पास नया नहीं है, इसके कारण से हम लोग रिपेयरिंग दे रहे हैं, नया रिपेयरिंग दे रहे हैं। वो बोला नहीं, हम लोग लिखित नहीं देंगे। तब हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं कि हम लोग रिपेयरिंग भी नहीं लेंगे, ट्रांसफार्मर करा करके रख दिए कि हम लोग को नया दिया जाए, नहीं तो आप लिखित में दीजिए। माननीय ने स्कूटिप से इन लोग बात कराया माननीय सांसद महोदय को, तो स्कूटिप महोदय बोले हैं कि हम नया ट्रांसफार्मर इन लोग को देंगे। इस बीच इन लोग को नया ट्रांसफार्मर नहीं दिया गया। समस्या यही था कि कल संज्ञान में आया, कुछ लड़के लोग आए थे, साथ हुआ वहाँ 100 केवी का है जो जल गया। मैंने तुरंत वहाँ का जेई से बात किया, फोन से उनको ही वार्ता कराई और कंसर्न कराया कि 100 का जला हुआ। फिर वो आए और इक्वेशन वगैरह इसमें इसमें तो नहीं इक्वेशन तुरंत बन गया। फिर हम लोगों ने स्टोर को दिया तो वो ट्रांसफर तो मिल ही रहा था, काम करके 4 तक पेपर बन के मिल रहा था, लेकिन इन लोगों का डिमांड था कि 100 का नया ट्रांसफार्मर मिल गया। और चूँकि स्टोर के जो ऑथोराइजर है जिनका, उनका कहना है कि स्टोर नहीं 100 केवी का नया था, तो इन लोगों को पुराना लेना नहीं था। उसके थोड़ा सा मामला अटक गया, कल काम भी हो गया। तो आप लोग जैसे आप लोग फिर मौजूदगी में ये बात कर दी कि अभी स्टोर ने 100 का रिपेयर जो है वो नहीं करते, नया 200 का हम लोग रिपेयर बोला गया। और निकट भविष्य में जब भी कुछ होता है तो नया देने का प्रयास।